ਕਿਉਂ ਜਾਵ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ आप सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हो? देखो इन लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, बड़ी सारी समस्याएं हैं। लाइट इनको नहीं है, पानी इनको नहीं है, तो जो जो इनकी समस्याएं ये आपको खुद बताएंगे। नरेगा में जो काम किए उनकी पेमेंट नहीं हुई है, और जो ये कहते हैं कोई लाइट की प्रॉब्लम है क्या क्या है ये आपको सब बताएंगे। राम जी, हम लोग तो समस्याओं में ही उलझे हुए हैं। मैं परमानेंट रेजिडेंस ऑफ पंचायत कोलासर वार्ड नंबर 2 ब्लॉक चनैनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का हूँ। तो मैं बताता हूँ ये रोड की कितनी खस्ता हालत है। यहाँ पर ये रोड 2004-05 की बनी हुई है, दो तीन बार यहाँ पर पंचायतों की भी इलेक्शन हो चुकी, उसके बाद अब तक इसके ऊपर क्यों नहीं लुक पड़ी? चौकी में कब पहुँचेगा रोड? एंड 2013-14 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोलासर की बिल्डिंग टूटी हुई है, अभी तक वो बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई? क्या करती है वो पंचायत? करप्शन में देखो कलासर पंचायत सबसे आगे है। 2019-20 में लैंड लेवलिंग वर्क हुआ था वार्ड नंबर 2 में, जिसका एस्टीमेट 2 लाख का था, और उसमें काम करने वाले 10-12 बंदे थे जो काम कर रहे थे बेचारे। तो उनके क्या गया, उनके नाम ही नहीं दिए, और जो लेबर की जो पेमेंट है वो बन कोई 1 लाख करीब के, 1 लाख के करीब करीब निकली, जिसमें से 3-4 बंदे करप्शन में आ गए, तो कोई 70-80 हज़ार के करीब करीब जो काम करवाने वाला बंदा था उसको पैसे मिले, वो खुद एक्सप्लेनेशन देगा इसमें अपनी। तो उसके बाद जो स्किल्ड पर्सन का पैसा आता है उसमें जो 49,944 रुपये का बिल निकला, उसके बाद नरेगा में कैरेज का पैसा आता है जो ये आप बिल देख सकते हैं सामने, 24,856 रुपया ये निकला। ये भी अजय कुमार के नाम से निकाला गया, अजय कुमार सन, अजय सिंह सन ऑफ संसार चंद के नाम से निकाला गया। उसके बाद 1500 रुपये का एक बोर्ड बिल बनता, बल्कि जो एमजी नरेगा में जितने भी काम होते हैं उनका बोर्ड बनता है, वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है, कोई किस्म का कुछ भी नहीं किया गया है, और उसका भी बिल 1500 रुपया निकाला गया है। ये ऐसा ही क्यों किया गया है वहाँ पर? और जो बंदे मजदूर हैं बेचारे, उनको कोई पैसा नहीं मिला, 6-7 बंदे उनको कोई पैसा नहीं दिया गया, 5-7 को मिल गया, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन खा गया। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन आप वहाँ के वार्ड नंबर 2 के जो पंच है जिन्होंने ये काम करवाया है उनसे आप पूछ सकते हैं, कैसा 2 लाख का अगर बिल है, बाकी पहला पैसा कहाँ गया और इनको कितना पैसा मिला, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। नंबर 2 का पंच हूँ रितु देवी के घर वाला, मैंने खुद ये काम करवाया है वार्ड नंबर 2 में, लैंड लेवल का काम है जी। इसका एस्टिमेट था 2 लाख रुपये का, जिसमें से हमारी लेबर को पेमेंट मिला है 70,000 रुपया, बाकी बोलते थे कि आपके बंदे 5 हैं जो इनकी करप्शन है, इनको हम ठीक करेंगे, इनके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मेरे को बोलते थे कि आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे, होते होते 2 साल हो गए इस काम को किए हुए, मेरी लेबर को वही 70,000 रुपया मिला है। और बाद में ग्राम सेवक बोलता है कि ये यार मेशू ने, आपने डिमांड जो लगाई थी ये मेशू के पास लगाई है, उसने ये घोटाला किया है। मैंने उसको पूछा कि भाई मेशू आपका है, आप मेशू के हैं, मेरे को नहीं पता है भाई, मैं तो ग्राम सेवक के पास ही अपना हिसाब किताब लेना चाहता हूं, आप देख लो जहां भी ये घोटाला किया है आपने, ये पैसे हमारे मिस्त्रियों के नाम भी हमसे उन्होंने नहीं लिए थे, बोलते थे उस वक्त कि हम आपके मिस्त्रियों के नाम लेंगे, उनके खाते में पैसे डालेंगे, फिर मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, और मिस्त्री हमारे आज भी कुछ पैसा उनको, एक भी पैसा नहीं उनके खाते में आया। पंचायत कोलासर वार्ड नंबर 2 के पंच ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपया दिया गया जी। आप बिल देख सकते हैं, 1,99,431 रुपये का जो इस काम का बिल निकाला गया है, बाकी पैसा किसने खाया है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ने खाया, तो क्यों खाया है वो, क्या कारण था उसका, क्यों खाया उन्होंने? और उसके बाद जो 2018-19 में जो बिजली की लाइन लगी थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग, कि जिन्होंने ये योजना बनाई थी सेंटर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, और लोगों को जन जन तक वो योजना पहुंचाई। इन चोरों ने लोगों के साथ कैरेज की, 6-6 किलोमीटर पैदल पोल लगा, वो ऊपर 6-6 बंदों ने एक एक पोल को चढ़ाया दबाया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर तारें लगवाई, उनसे वादा किया गया था उस लैंडमैन ने कि आपको कम से कम भी जो बनता 1000 जो है वो आपको दबाने का मिल जाएगा, और आपको ऊपर पोल लाने की जो कैरिज है वो अलग से दी जाएगी। आज दिन तक उन लोगों को वो एक भी पैसा नहीं दिया गया है। वार्ड नंबर 2 में कुंजा पोल में लगे हुए हैं 51 पोल से,
तो ये बहुत एक गलती की बात है। उसके बाद जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 19-20 में, जिसमें ये पंचायत ने किया, किसने किया हम इसमें कह सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे बेचारे पंचायत कलासर में, इनके मकान डिटेंशन लिस्ट में डलवा दिए। क्यों डलवाए वो मकान, वो ये खुद बताएंगे। इनका भी मकान उन्होंने डिटेंशन लिस्ट में बताया, आप इनको पूछ सकते हैं। मेरा मकान कटा गया, मैं शरीफ आदमी हाँ, इस करिए उन्होंने मकान कटिया गया। जेके जेके गल करने वाले हैं उनके मकान एक भी नहीं कटवा, गरीबे के मकान कटे गए ने, पता नहीं कुछ कटे, मगर साढ़े मकान कटोई गए। हाँ गरीब सिंह भी आए, जीओ टैकन करने भी आए, मगर उनका उसल नैट नहीं चले। उन्हें आखिया परसों परसों या नहीं आया, वो महीने नौ ही गए, परसों नहीं आया। और गैस जी ऐसे ही नहीं मिली, मसले गए सारे इनके मकान से मेरा कटा था, गैस नहीं मिली, गैस ऐसे ही नहीं थोड़ी, और भी मते आदमी इनके उनके मकान कटे गए। देखो जो है पंचायत कलासर का हाल, दो नंबर वार्ड से सारे मकान कटे, गरीबों की बर्बादी हो रही है इसमें। देखो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, इन्होंने अटेंडेंस भी लगवाई हुई है, जो इन्होंने पोल लगवाए हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये देखो ये थोड़ी नकुलता पंचायत की तो नहीं कोई समस्या है, और फिर भी मतलब लोग मुझे कहते हैं कि तू झूठ बोलती है, इसमें झूठ वाली क्या बात है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, फिर बोलते हैं उसका नाम नहीं लेना। आप ये मेरे को बताओ कि लाइट वाले अगर उन्होंने गलती की है, बंदे को लगा दिया, उनको कहा हम आपको लेबर पैसे भी देंगे, लेबर के पैसे भी देंगे, आप ले जाओ एक पोल 6 किलोमीटर ले जाओ, और जब उन्होंने लिया पहुंचाया वहां पे, आज दिन तक उनको 1 रुपया नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं मिला आज दिन तक हमें, गरीबों के साथ कौन से न्याय की बात हो रही है, और फिर ये कौन से इंसाफ की बात हो रही है। और फिर लोग मुझे कहते हैं कि अगर तूने किसी को पूछना है, सबके सामने उसका नाम नहीं लेना है, अकेले कमरे में ले जाना है उसको, वहाँ जूते लगाने हैं, जो भी करना है हम भी करेंगे अकेले में, तो जो भी करना है तो उसको जूते लगा सकती है अकेले कमरे में जाकर, लेकिन सबके सामने नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, वो कहते हैं अब देखो मेरे को ये बताओ कि लाइट वालों ने गलती की है, लाइट भी की है, तो मैं किसको बोलूंगी अब, कौन गलत बंदा है, लिए बोलूं दूसरे के लिए बोलूं तीसरे के लिए बोलूं, अब जो गलत है इसमें तो वही है ना गलत, अब हम कैसे बोले। और लेकिन इनकी इंक्वायरी की जाए, इनको पूछा जाए, और उस बंदे को सस्पेंड किया जाए जिसने इनकी मतलब पैसे खाए, जो नरेगा के पैसे खाए, चाहे वो वीडियो है चाहे वो कोई है, मैं उसको नहीं जानती, पंच है सरपंच है, और बिल पास कैसे होता है, सरपंच की स्टैंप लगती है, सरपंच कैसे ऐसे स्टैंप लगा के दे सकता है, क्योंकि गरीबों का इंसाफ, यही इंसाफ है गरीबों का, गरीबों के साथ यही इंसाफ हो रहा है, आम लोगों का आपके साथ यही इंसाफ हो रहा है, और हाँ ये इंसाफ हो रहा है। आप इनसे खुद बात करो कि इसमें भड़काने वाली या झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, इसमें झूठ वाली क्या है, चोरों ने सामने बिल बता रहा हूँ सामने कि इतने पैसे निकाल के खा रही है, गरीबों को आज दिन तक पैसा नहीं, और पंचायत मुझे कहती है कि नहीं आपने बोलना नहीं है जी, आरटीआई नहीं लगवानी। ये देखो ये प्रूफ पड़ी हुई इनके पास, पूरे कागज की फाइल पड़ी है, जब हम कहीं ऑफिस में जाएंगे हम उनको खुद दिखाएंगे। ये देखो ये देखो, इसमें झूठ वाली बात नहीं कुछ भी, ये इसमें झूठ वाली जाएंगे, वीडियो के पास भी जाएंगे, और जिन लोगों ने बाथरूम बनाया उनको पैसे ही नहीं दिया, जो बात करने वाला बंदा था उसको बाथरूम के पैसे दे दिए हैं, एक घर में दो दो कनेक्शन इन्होंने गैस के दे दिए हैं जो बात करने वाला, और लेकिन इनको गैस तक नहीं पूछो, इनको गैस है मिली है, और APL राशन कार्ड बनाए हैं, APL राशन कार्ड बनाए हैं, जिसके पास चायत क्लस्टर में 2004 मंडले जमीन है उसका भी यहाँ पर APL राशन कार्ड है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है सारे अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, जिसके पास दो दो मंडले आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके पास दो दो मंडले तक जगह है, तीन तीन मंडले तक मकान की रहने के लिए, उसका भी इन्होंने APL राशन कार्ड बनाया हुआ है। सीनियर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन लोगों की खातिर मैं DC मैम से बहुत अच्छे हैं, वो मैं उनसे मतलब बहुत खुश हूँ, मैं उनकी बात से बहुत खुश हूँ, चमचे बहुत दुखी हैं। यहाँ मीटिंग होती है, हम गरीबों को ले जाते हैं वहाँ दिखाते हैं, हाँ जी इनकी ये समस्या है, इनकी ये प्रॉब्लम है, बैक टू विलेज कितने हुए वहाँ भी हमको दिखाया जाता है, इनकी ये समस्या है, ये हाल है इनका, आगे से पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं, या फिर वो जो देखने वाला आता है, चाहे कोई सेंटर का है स्टेट का है, वो कोई भी है, वो वहाँ आता है तो वो अपनी शक्ल दिखाने तो नहीं आता है, या इनकी शक्ल देखने तो नहीं आता है, उन्होंने लड़कियाँ या औरतें ना कुछ देखा नहीं है, ना कोई बुजुर्ग नहीं देखे हैं, ना भाई नहीं देखे, बहन नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं है, आगे से इतना कुछ आता है वो जाता कहाँ है बस। और हम ऐसा यार लगाएंगे इस पे, पक्का लगाएंगे, ये लोग साथ हैं, आप लोग सभी सहमत हो इस बात से, आप इनसे पूछो आप लोग सहमत हो, हम FIR लगाएंगे और इंसाफ करेंगे इनका, और जो चमचे मुझे बोलते हैं ना कि किसी का नाम नहीं लेना है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ये लोग नाम लेंगे, आप बोलोगे? नहीं
हमारे साथ गलत हुआ है, हम बोलेंगे। आपको डर है किसी का? किसी को कोई डर नहीं है। आपने चोरी की है? चोरी की है आपने? नहीं की है। हम अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अपने राइट के लिए। हम एफआईआर लगाएंगे, चाहे वो वीडियो होगा चाहे कोई होगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। हमें ऐसे वीडियो की भी कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी है, किसने गलत किया है। और सरपंच ने अगर स्टैंप लगा के दिए तो क्यों लगा के दिए, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं भी आशा करता हूँ कि जो डीसी मैडम जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी हमारे इस बात का जो सलूशन है वो जल्दी से जल्दी निकालेंगे। और ऐसे जो गलत करने वाले बंदे हैं, जो पंच हैं, सरपंच हैं, पीडीओ हैं, ग्राम सेवक हैं, उनको दायित्व से मुक्त किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल हाँ। हम सहमत हैं इसी बात से। हम एफआईआर लगाएंगे उस पे कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इन लोगों की खातिर हाथ जोड़ के विनती करूंगी, सभी सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं बार बार यही बात बोलना चाहती हूँ, वो यहाँ पे आए, खुद देखें इन लोगों का हाल, खुद देखें, इनकी समस्या सुने, उनका हल निकालें और इनका हक इनको दिलवाया जाए।